मैं तुम्हारे रास्ते को चुनने के लिए इतना मजबूत नहीं था स्पार्टन। क्रेटोस कहता है, मैं अब सच्चाई में जीना चाहता हूँ। ऑर्कस कहता है, मुझे यही डर था तुम ये बात पूछोगे। एरिस अब भी तुमसे जुड़ा हुआ है। क्रेटोस कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑर्कस कहता है, इससे पहले तुम उसे मारो, मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी कसम रखने वाला बना दिया। तुम तभी मुक्त हो सकते हो जब मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा। क्रेटोस कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऑर्कस कहता है, अगर तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे तो एरिस तुम पर अपनी ताकत बनाए रखेगा, इससे भी बदतर। मैं तो हमेशा से ही दुख और तकलीफ में जीता रहा। क्रेटोस कहता है, मैं पहले ही कई मासूमों का खून बहा चुका हूँ। ऑर्कस कहता है, अब और कोई रास्ता नहीं है स्पार्टन, कसम को तोड़ दो, एरिस को मार दो और अपना बदला ले लो। मैं कभी भी एक योद्धा नहीं था जैसा मेरे पिता चाहते थे। मेहरबानी करो मुझ पर, मुझे फकर की मौत दो। ऑर्कस की मौत के साथ एरिस के खून की कसम आखिरकार टूट गई और उस रात का दर्द भरा सच क्रेटोस के दिमाग में वापस लौट आया। सच वही, उसके बीवी और बेटी का खून जो क्रेटोस ने किया था। अब सब कुछ साफ था और वो रात उसके लिए एक बुरा सपना बन गई जो उसे हर दिन डराती रहेगी। क्रेटोस फ्यूरिस के पागलपन से आज़ाद हो चुका था, लेकिन उसका बीता कल उसे अंदर ही अंदर तड़पाता रहेगा। क्रेटोस जिस घर को जानता था उसने उसी को छोड़ दिया और अब वो तैयार था अपने अगले सफर के लिए। तो ये थी गॉड ऑफ असेंशन की कंप्लीट स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए अपना टूंस को सब्सक्राइब करें।